दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले 3 BHK इंटीरियर की, जो कि हमने किया है आपका फर्स्ट एवेन्यू। मतलब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपने मेन डोर से, मेन डोर पर हमने क्या करा है, ये डोर पहले से ही लगा हुआ था, इस पर हमने पेंट कर दिया है और इसके चारों तरफ से पेंटिंग कर दी है। यहाँ पर एक वेलकम टाइल्स लगाई है और हमने ग्लास के पैसेज लगा दिए हैं। सबसे अंदर की तरफ ये हमारा जो डोर है, ये हमने पूरा रिनोवेट किया हुआ है। इसमें हमने इस तरह से ये प्रोफाइल वापस टी प्रोफाइल डाल दी है, थोड़ा हाईलाइट कर दिया प्रोफाइल से। अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर जैसे आप लॉबी में आते हैं, लॉबी में हमने यहाँ पर फोयल बनाया हुआ है CNC जाली कटिंग डिको फिनिश के साथ। और इसके जस्ट बराबर में ही हमारा यहाँ पर एक एक किड्स रूम आ जाता है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, किड्स रूम में एक हमने यहाँ पर एक बेड बना दिया और एक साइड टेबल बना दिया। तो बेड भी जो कुशन है वो कुछ इस तरह से की है, इसमें बीच में स्टार आपके 3 कलर यहाँ कर भी हुए हैं, ये 3 कलर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर एक टॉयलेट आ जाता है और टॉयलेट में हमने यहाँ पर क्या किया है, सामने एक वैनिटी है, वैनिटी बना दिया, ऊपर ही आपका वॉश बेसिन लगा दिया। सीलिंग की बात करते हैं, सीलिंग ये अपने पहले से ही हो रखी है, अपना क्लाइंट प्रोवाइडेड है, क्लाइंट ने करा रखी है। यहाँ पर हम लोग टीपल की बात करते हैं, टीपल में हमने यहाँ पर क्या लेफ्ट और राइट में दो ड्रॉर दी हुई है, दो हैंडल लेस है और यहाँ पर हमने एक फायर प्लेस लगाया हुआ है। इधर की बात करें, राइट की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर डोर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं। और बीच में यहाँ पर आपका टीवी आएगा जिसमें हमने गोल्डन आपकी स्ट्रिप डाली हुई है और यहाँ पर हमने गोल्डन आपका मिरर लगा दिया है और एक यहाँ पर ओपन सेल दे दिया है। इसके नीचे आपके बूफर्स वगैरह आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने आपके इधर किचन के बालकनी, जो हमारे यहाँ पर पहले बालकनी थी वो हमने आगे की तरफ शिफ्ट कर दिए और यहाँ पर ये इस तरह के पैनिंग कर दिए। इसमें 3 आपका स्पॉट लाइट लगा दिए, यहाँ पर आपका इनका सबका मंदिर आ जाएगा। तो इस एरिया को हमने सेपरेट कर दिया, होल से जोड़ दिया है। तो बात करते हैं अपने, चलते हैं ड्राइंग रूम की तरफ। तो चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन को आपका मतलब आपका तो इसमें भी हमने एक पार्टीशन दिया हुआ है किचन को सेपरेट रखने के लिए। इधर हमारी डाइनिंग टेबल आ जाएगी और इधर किचन की बात करें तो हमारे एल सेपी किचन है जो हमने पूरी रिनोवेट की हुई है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, आपका यहाँ पर ये होब आ जाता है, इधर ही चिमनी का पार्ट, चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने दो प्रोफाइल सेटर बनाए हुए हैं जो कि रोज गोल्ड कलर के बनाए हुए हैं और इसमें आपके लाइट लगा दी है। ऊपर जो आप पेलमेट देख रहे हैं इसमें हमने स्पॉट लाइट लगाई हुई है। और इधर की बात करते हैं, ये आपका पत्थर की बात करते हैं, पहले पत्थर जो हमने यहाँ पर लगाया नैनो व्हाइट लगाया हुआ है और ये टाइल्स मैच करते हुए यहाँ पर ये व्हाइट टाइल्स लगाई हुई है। और इधर आपके ये जो स्विच थे आपका इसमें होब की जगह यहाँ पर ये ऑन किया हुआ है, होब के अंदर पाइप लेने के लिए। इधर ये हमारा सिंक एरिया आता है। बात करते हैं इसके किचन की एल सीरीज की, तो हमने यहाँ पर ये 5 बास्केट लगाई हुई है जो कि इस तरह से हैं। एक हमारे यहाँ पर ये बी पी आता है जिसमें आपकी बोतल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इधर की बात करते हैं तो ये हमारी प्लेन है, 4 इंची प्लेन मल्टीपर्पज, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर एक थाली की बास्केट आ जाती है और जस्ट आपके होब के नीचे हमने यहाँ पर एक कटलरी दी हुई है आपकी। इसके नीचे की बात करें तो नीचे आपका मल्टीपर्पज, आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं। बाकी आपके नॉर्मल बॉक्सेस बने हुए हैं इस तरह से, जो कि आपके आटे चावल के आपने कंटेनर वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमने कॉर्नर को जो यूटिलाइज किया हुआ है वो इस तरह से किया हुआ है, आपकी जो हैवी स्टोरेज आएगी जो कि आपके बड़े बॉक्सेस हो गए या आपके बड़े कंटेनर वगैरह हो गए वो आप इसमें रख सकते हैं। और इधर बात करते हैं सिंक की, सिंक जो हमने यहाँ पर चेंज की हुई है, जो आगे साउंडलेस सिंक आती है वो इस तरह मॉडर्न सिंक यहाँ पर लगाई है। और ये आपका ये पर टैप भी चेंज किया हुआ है। नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमने ये अंडर काउंटर एक आरओ दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका आरओ यहाँ पर आ जाएगा और इसको यहाँ पर ऊपर फोरसेट लग जाता है जैसे कि पानी आपको आपके सिंक के पास ही मिलेगा। तो जैसे सिंक के जस्ट ऊपर की बात करते हैं, ऊपर के बॉक्स की, यहाँ पर हमने एक डिश रैक लगाई हुई है जो कि अपने बर्तन आप यहाँ पर साफ कर सकते हैं और यहाँ पर अपने रख सकते हैं, जो कि यहाँ पर इस तरह से पानी यहाँ ड्रेन हो जाता है इस तरह से। और इधर किचन के जस्ट अपोजिट साइड में हमने यहाँ पर एक पेंट्री यूनिट दी हुई है, जो वायरस पेंट्री है वो इस तरह से है, इसमें आप अपनी स्टोरेज रख सकते हैं। एक यहाँ पर जो ओपन आप बॉक्सेस देख रहे हैं, यहाँ पर एक हमारा ओवन आएगा और उसके ऊपर आपका मिक्सर जूसर वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर हमने छोटी सी क्रोकरी के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, अपने छोटी सी क्रोकरी आप इस बॉक्स में रख सकते हैं। नीचे आपका स्टोरेज के लिए है, इसमें हमने बीच में एक फोल्डिंग सेल्फ डाल दिया है।
आपने पहले ही बात करते हैं आपके डोर की, डोर पे हमने क्या किया हुआ है, आपका तीनों तरफ पैकिंग कर दी है और दोनों तरफ डोर के लैमिनेट लगाई हुई है जिसमें कि हमने गोल्डन टी प्रोफाइल इस तरह से डाली है और टी प्रोफाइल को मैच करते हुए हमने हैंडल यहाँ पर यूज किए हुए हैं। तो आ चलते हैं पहले आपका बेडरूम, इस बेडरूम में गेट बात करें तो हमने यहाँ पर आप यहाँ पर ये बेड बनाया हुआ है, बेड कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर बेड आ जाता है हमारा। और यहाँ पर जो अलमारी की बात करें तो ये आपका हमने वॉकिंग क्लोजेट बनाया हुआ है, इसमें की थोड़ा स्पेस गहराई इसकी ज्यादा थी तो इस तरह से है। सामने की बात करते हैं, सामने हमने यहाँ पर एक ड्रेसिंग दिया हुआ है और ये स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई हुई है, प्लेन स्लाइडिंग क्लोजेट है। यहाँ पर आपके हैंगिंग आ जाएगी, ये वाला पार्ट आपका हैंगिंग आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका हैंगिंग आ जाएगा। यहाँ पर हमने दो ड्रॉर दिए हुए हैं, यहाँ पर आपके ट्रॉली बैग वगैरह आ सकते हैं और यहाँ पर आप अपने अपने कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं। सामने की बात करें, सामने हमने यहाँ पर एक ड्रेसिंग बनाया हुआ है, अंदर इसकी स्टोरेज आ जाती है इस तरह से और नीचे यहाँ पर आठ दो ड्रॉर दी हुई है। वार्डरोब की बात कर रही है, पहले से ही बनी हुई थी जो कि हमने सिर्फ इसमें जो आपका शटर चेंज किए हुए हैं, शटर वगैरह डिजाइनर शटर लगाए हुए हैं। इधर की पहले अंदर की बात करते हैं, अंदर का एलिवेशन कुछ इस तरह से है, पहले से बनी हुई थी। यहाँ पर आपका हैंगिंग है, नीचे दो ड्रॉर और नीचे ओपन बॉक्स है। शटर की बात करते हैं, शटर में हमने क्या हुआ, शटर में हमने दो कलर यहाँ पर यूज किए हुए हैं, गोल्डन कलर के इस तरह से रोज गोल्ड कलर के हैंडल लगाए हुए और रोज गोल्ड कलर की प्रोफाइल टी प्रोफाइल डाली हुई और इस तरह से आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पर ग्रुप डाल दिए हैं। तो चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में अगर बात करें, मास्टर बेडरूम में बात करें तो ये हमने यहाँ पर बेड बनाया हुआ है। बेड की जो हाइट है वो हमने आपका सीलिंग से आपका 9 इंच नीचे टच करी है, ये बीच में हमने यहाँ पर कुशन लगाती है और इधर पे 12 इंची में पट्टा ये आपका तीनों तरफ और इसमें गोल्डन पट्टी लगा दी है इस तरह से। साइड टेबल दोनों तरफ साइड टेबल आपको बना दिए। और इस रूम में बात करें इस टीवी पैनल की, टीवी पैनल हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, छोटा टीवी पैनल बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या है, दो ड्रॉर बनाई हुई है इस तरह से, हैंडललेस दो ड्रॉर है और इधर लूवर्स लगा दिए और इधर ये आपका सामने टीवी आ जाएगा और इधर ये गोल्डन पट्टी लगाई हुई है। तो वही सामने आप वार्डरोब की बात करते हैं, वार्डरोब पे सिर्फ हमने सेटअप चेंज किया हुआ है। यहाँ पर दो कलर की लैमिनेट, बीच में ये पट्टा बना दिया है अलग कलर का और ये व्हाइट कलर की लैमिनेट हमने इस पर दो सेटअप पे लगा दिए। टॉयलेट की बात करते हैं, टॉयलेट हमने यहाँ पर पूरा रिनोवेट किया हुआ है। टॉयलेट कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका टॉयलेट में हमने यहाँ पर ये वैनिटी लगाई हुई है और यहाँ पर ये आपका मिरर लगा दिया है जो कि इस तरह से कलर चेंज करता है और पूरी टाइल्स चेंज करी है हमने यहाँ पर। ये इधर ये हाइलाइटर डाल दिया है, इधर ये आपका सीट पोर्ट लगा दिया है और ये पूरी टाइल्स हमने इस तरह से चेंज की हुई है। ठीक, तो आई होप दोस्तों वीडियो